टुडे लेट्स टॉक अबाउट ऑमनीट्रिक्स। हाँ, वही घड़ी जो वेंटेनिसन के पास हुआ करती थी। अगर इस शो की बात करूँ तो अपने समय का सबसे मोस्ट पॉपुलर एंड सुपर हिट शो था, और मुझे ऐसा लगता है कि ये आपका भी फेवरेट शो रहा होगा। और इस शो के चक्कर में आपके मन में भी ऐसे ख्याल जरूर आए होंगे कि काश ये घड़ी मुझे मिल जाए, कि काश मैं भी बेंटन की जगह होता तो मैं क्या करता। तो गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ कि ऑमनीट्रिक्स कैसे काम करती है। तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले ऑमनीट्रिक्स को रियल साइंस से कनेक्ट करते हैं। ऑलराइट गाइस, जब ऑमनीट्रिक्स को बेंटन यूज़ करता था तो उसकी पूरी बॉडी एक एलियन में कन्वर्ट हो जाती थी, एक स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाती थी। तो गाइस, ये कैसे होता था, ये रियल लाइफ में कैसे हो सकता है, या फिर ये रियल साइंस से कैसे कनेक्ट करता है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, सबसे पहले ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस स्पीसीज में कन्वर्ट होना चाहते हैं, क्योंकि ये सब डिपेंड करता है डीएनए पर। और पूरी दुनिया में हर किसी का अपना एक अलग डीएनए होता है, और डीएनए चेंज करना अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया है। तो गाइस, अब सवाल उठता है कि डीएनए चेंज क्यों नहीं कर सकते, और कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं। हम आँख किडनी तो चेंज कर लेते हैं, पर डीएनए क्यों नहीं कर सकते। तो गाइस, डीएनए हम इसलिए चेंज नहीं कर सकते क्योंकि डीएनए लोकेट करता है हमारी बॉडी के सेल्स में, और हमारी बॉडी में लाखों करोड़ों सेल्स हैं, किस किस को हम चेंज करेंगे। और उन सेल्स में उपस्थित होता है डीएनए, और अगर हम उन सारे सेल्स को किसी दूसरी स्पीसीज के सेल से कन्वर्ट कर दें या रिप्लेस कर दें, तो आपकी बॉडी एक दूसरी स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाएगी। ये सुनने में बड़ा आसान लगता है कि डीएनए तो चेंज करना, लेकिन करने में उतना ही नामुमकिन है। तो गाइस, अगर बेंटन वाले कॉन्सेप्ट से इस थ्योरी को रिलेट करें तो ये दोनों सेम है। कुछ ऐसा ही हुआ करता था बेंटन वाले कार्टून में। जैसे बेंटनिसन किसी एलियन को एक सिलेक्ट करता था तो उसकी घड़ी कुछ ऐसा करती थी कि वो एक एलियन में कन्वर्ट हो जाता था। तो गाइस, उस कार्टून में भी आपने देखा होगा कि जब वो ह्यूमन से एलियन बनता है तो उसमें डीएनए को चेंज होते हुए दिखाते हैं, तो उसका मोस्ट कॉन्सेप्ट यही है। तो रियल लाइफ में ये करना अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया है। अगर ऐसा हम करते भी हैं तो हमारे सामने एक दूसरी समस्या ये है कि हमारी बॉडी के सेल्स डिस्ट्रॉय होते रहते हैं और फिर से रिप्रोड्यूस होते रहते हैं, और स्किन सेल्स सबसे ज़्यादा फास्ट रेट से रिप्रोड्यूस होते रहते हैं। तो गाइस, हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि इसको कंट्रोल कर सके। तो ऐसी कोई ऑमनीट्रिक्स बनाने के लिए हमारे सामने दूसरी सबसे बड़ी चुनौती तो ये भी है। और गाइस, शायद आपको नहीं पता होगा कि 1 मिलियन सेल्स रिप्रोड्यूस होते हैं पर सेकंड हमारी बॉडी में, तो ये सब कंट्रोल करना कितना मुश्किल है। और स्किन सेल्स के अलावा एक दूसरी प्रॉब्लम है, वो है ब्रेन सेल्स, क्योंकि ब्रेन सेल्स रिप्रोड्यूस नहीं होते अगर एक बार डिस्ट्रॉय हो गए तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है अगर ऐसी कोई बॉच रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है तो। तो गाइस, हमारे पास जितनी भी टेक्नोलॉजी अभी तक अपडेट हो पाई है, उस टेक्नोलॉजी से हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हमारी बॉडी के पूरे सेल्स को कन्वर्ट किया जा सके एक दूसरी स्पीसीज के सेल्स में। तो गाइस, ऐसी कोई डिवाइस होना अभी तक पॉसिबल नहीं है, ऐसा रियल लाइफ में नहीं हो सकता। फ्यूचर का पता नहीं, क्योंकि फ्यूचर किसने देखा है। और गाइस, एक बात मैं आपको दिल से बोलना चाहता हूँ कि अगर ऐसी ऑमनीट्रिक्स हमने खोज भी ली ना, तो शक्तिमान तो फिर भी नहीं बन पाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करो, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। एक बार यूं मिली मासूम सी कली।